तो भाई यहाँ पर आ चुकी है आपके सामने फॉर्चुनर, और इस फॉर्चुनर के अंदर हमने थोड़ा लाइटिंग वगैरह काम किया। इसके बाद जो उसकी पीछे वाली टेल लाइट होती है वो हमने चेंज कर दी है। इसके बाद और क्या क्या मॉडिफाइड हो रहा है इसके अंदर धीरे धीरे आपको वो बताता हूँ। एक तो हमने इसका जो स्टीरियो है वो भी चेंज कर दिया, जो कि पूरा टच वाला जो हमारा आता है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने इस वाले बल्ब के अंदर हमने इसमें HID इंस्टॉल कर दी है। प्रोजेक्टर है इसके अंदर भी हमने HID डाल दिया, और इसका जो फॉग लैम्प है इसके अंदर भी हमने HID डाल दिया। इवन जो इसका फॉग लाइट जो फॉग कवर आता है वाला फॉग लाइट DRL आता है, ये भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो एक बार ये भी चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है। इसके अंदर भी हमने HID डाली हुई है। इसका रिस्पॉन्स आपको मैं चेकआउट करा दूंगा कि जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, अभी काम चल रहा है गाड़ी के अंदर। कंप्लीट होने के बाद जो इसका रिस्पॉन्स है इन सभी लाइटों के साथ, 3 HID होने के बाद गाड़ी का फॉर्चुनर का मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल ही दिन निकालने वाली है। तो क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है आपको जस्ट मैं चेकआउट करता हूँ, उसके बाद लेके चलता हूँ सीधा गाड़ी के अंदर और क्या क्या सामान इसके अंदर लगा है। तो भाई यहाँ पर अभी थोड़ा फॉर्चुनर का थोड़ा सिस्टम खुला हुआ है, थोड़ा ये देख लेना आप। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका जो नॉर्मल वाला प्लेट था ये हटा के हमने स्टीरियो उसका चेंज करके पूरा का पूरा टेस्ला लगा दिया। तो अब इसका जो AC वाला वेंट है वो भी हमारे इस टच के अंदर ही आ गया है, और अभी इसमें काम चल रहा है कुछ। इसके अंदर एम्पलीफायर वगैरह भी लग रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें स्पीकर लगे हैं, हर्ट्ज़ के जो इसमें कॉम्पोनेंट आते हैं वो लगे हैं। पहले जो फॉर्चुनर के अंदर देखो, फॉर्चुनर जैसी गाड़ी के अंदर ये लोग ये चीज़ डाल के देते हैं, एक छोटी सी मैग्नेट का ये वाला स्पीकर डाल के देते हैं, जो कि इतना ज़्यादा दमदार नहीं होता, बट अब जो इसकी साउंड आएगी, आउटपुट जो आएगा वो बढ़िया आएगा। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर भी अल्फा वाली जो डैम्पिंग है वो भी कर दी है, और इसके साथ अगर बात करूँ मैं, देखो यहाँ पे डैम्पिंग भी पड़ी हुई है, तो डैम्पिंग का छोटा सा एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ है जो कि इसके गेटों में डैम्पिंग हुई है। इसके साथ अगर बात करूँ तो पीछे वाले गेट के अंदर आपको डैम्पिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अल्फा कंपनी की होने वाली है। ये चीज़ देख लो आप, ठीक है। इसके साथ साथ अभी जैसे इसका सारा इंटीरियर बंद होगा और लाइटों का क्या रिस्पांस रहने वाला है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमने फॉर्चुनर की हमारी स्कप प्लेट आती है हमने वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो ये चीज़ भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये सारा एक बार बंद हो जाता है, उसके बाद मैं आपको चेकआउट कराता हूँ इसके अंदर कैसा लग रहा है, बढ़िया। बाकी इसके अंदर अभी सीट कवर्स वगैरह का भी काम होने वाला है, तो जैसे ये सीट कवर्स का काम इसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टोटल दिखाऊंगा ओवरव्यू इस गाड़ी का क्या रहने वाला है। ये वो लाइट लगा दी है, तो टोटल कुछ ये लाइट जो है इसका जो रिस्पॉन्स है कुछ इस तरह का होने वाला है। एक बार लाल भाई इसकी लाइट ऑन करेंगे, और लाइट ऑन करके आप देख लो आफ्टर मार्केट का जो रिस्पॉन्स है कुछ इस तरह का होने वाला है। एक बार अगर इसका ब्रेक दबाएंगे तो कैसे होती है भाई, ये ब्रेक दबाने पर यहाँ पर एक LED है वो जल जाती है, तो ये चीज़ देख लो आप, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर अगर देते हैं तो इंडिकेटर पे ये हमारा बल्ब हो गया यहाँ पे जो इंडिकेटर के लगा हुआ है। और एक बार जब हम इसका बैक गियर डालते हैं तो क्या होता है, तो बैक गियर डालने पे यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाता है, उसके बाद ये पूरी लाइट तैयार हो जाती है। एक बार पूरी गाड़ी का पीछे से ओवरव्यू चेकआउट कराता हूँ आपको कि पीछे से देखने पर गाड़ी कैसी लगती है। तो भाई जो पीछे से देखने पर रिस्पॉन्स है गाड़ी का वो कुछ इस तरह का। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ इसके रिफ्लेक्टर की, तो रिफ्लेक्टर हमारे रनिंग में रिफ्लेक्टर है जो कि ब्रेक पे ही वर्किंग करते हैं प्रॉपर, और इस तरीके से जो उसका पीछे से लुक है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। बाकी लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर कि इसके जो सिस्टम का काम हुआ है और जो वेलकम प्लेट का काम हुआ है वो किस तरह का हुआ है। तो बेसिकली यार मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था भाइयों कि यहाँ पर फॉर्चुनर की जो हमारी स्कफ प्लेट होती है वो चीज़ इंस्टॉल कर दी थी। उसके बाद जो उसका पीछे वाला गेट है, अगर मैं ये वाला ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर भी इसकी स्कफ प्लेट इंस्टॉल की गई है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ी सी बड़ी स्कफ प्लेट आती है, जो कि ऑसम लग रही है। इसके बाद इसके अंदर सीट कवर वगैरह का ऐसा कुछ काम नहीं हुआ था, भैया का जो सामान है वो थोड़ा सा रखा हुआ है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके जो एम्बियंट लाइट होती है, जो हमारी एटमोसफेयर लाइट होती है कुछ इस तरह की होती है। एक बार मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा क्योंकि जो फ्लैश है वो उसको दिखाने नहीं देगी क्लियरली। ये अभी ये वाला कलर है, मिक्सिंग में कलर है, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको कलर चेंज करवा देता हूँ पहले, उसके बाद आपको नजर आएगी। यहाँ से आप दूर से देख सकते हो कि जो इस तरफ में जो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये इसकी कुछ एटमॉस्फेयर लाइट एम्बिएंट लाइट इसको बोलते हैं, जो कि पीछे वाले गेट में भी है, यहाँ पर भी है, और उसके बाद एक यहाँ पर भी होने वाली है। उसकी लाइट चेंज करना भाई। तो भाई तो गेट पर रिस्पॉन्स है इसका कुछ लाइट का, देख लो आप कैसा लग रहा है, बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा होगा आप जिसका रिस्पॉन्स है वो। आपको मैंने कलर चेंज करने के लिए इसका ऑप्शन चेंज कर दिया अपने फोन में, क्योंकि मेरे फोन में भी इसकी ऐप रहती है, तो बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू चलता है। यहाँ पर भी आप देख लो उसके, वहाँ पर भी कलर इसके सारे चेंज हो रहे हैं। थोड़ी सी लाइट इसकी ऑन, अगर मैं लाइटों को बंद कर दूँ इसकी, तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जो पीछे वाली लाइट है वो भी चेंज हो रही है, अलग अलग कलर में चेंज हो रही है, और थोड़ा इस साइड वाले गेट में भी देख सकते हो आप। तो इस तरह की फॉर्चुनर में लाइट लगी जाती है, जो कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है। एक बार गाड़ी के चलते हैं अंदर और उसके बाद दिखाता हूँ इसकी जो HID है वो क्या वर्क करेगी। तो टोटल पहले आगे से दिखा देता हूँ आपको, आगे से जो रिस्पॉन्स रहने वाला है इस गाड़ी का। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर हमने HID डाली थी, तो ये जो लाइट आपको दिख रही है सारी HID की है, और यहाँ पर हमारी अभी हेडलाइट की भी HID ऑन हो गई है, ठीक है, इसमें भी HID डली हुई है। तो बेसिकली जो गाड़ी है पूरी आगे से कुछ इस तरह की हो गई है, वाइट वाइट, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स है वो रोड पे एक नंबर रहने वाला है, ठीक है, कितना रिस्पॉन्स है।
इसके बाद अगर गाड़ी के अंदर से मैं आपको बताऊं गाड़ी के अंदर से मिरर से कैसा दिखेगा, तो थोड़ा सा तो भाई इंटीरियर के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो सामने जो लाइट का रिस्पॉन्स है कुछ इस तरह का होने वाला है, जो कि पूरी HID है। और यहाँ पे देख सकते हो डिप्पर, देख रहे हो कैसे लग रहा है गाड़ी में, जो HID के साथ डिप्पर लग रहा है कुछ इस तरह का होने वाला। और आगे बिल्कुल दिन निकल गया है, अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे तो बिल्कुल दिन वाला सीन हो रहा है, मतलब औसम। अगर रोड पे इस गाड़ी को निकाल दिया गया तो एकदम मजा जिसे बोलते हैं वो काट दी है गाड़ी। उसके बाद अगर मैं लाइट बंद करके दिखाता हूं तो ये कुछ अंधेरा होने वाला है। यहां पर इसकी सिर्फ जो IPS वाले प्रोजेक्टर है वो ऑन है, यहां पर इसकी हेडलाइट ऑन होगी है। तो ये देखो, क्योंकि इसमें हाई और लो भी अलग अलग होता है तो इसलिए ये रिस्पॉन्स है इसका। और इसकी एक बार लाइट, एक बार मैं नॉर्मल वाली सिर्फ प्रोजेक्टर जला के छोड़ देता हूँ। इंटीरियर की बात करें तो कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, अब जो इसका इंटीरियर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी इसकी लाइट थोड़ी सिस्टम होगा उसका कुछ बंद होने का, तो यहाँ पर अभी जो रिस्पॉन्स है वो एक नंबर मुझे लगी रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम टेस्ला की बात करते हैं, तो टेस्ला में आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन जो है वो पूरी बड़ी स्क्रीन हमें एकदम लग चुकी है, जो कि मैं यहाँ से AC का मुझे थोड़ी सी हवा तेज लग रही है तो मैं इसकी हवा कैसे कम करूंगा ये देख सकते हो आप। यहाँ पर टच करूंगा और इसके फैन की स्पीड यहाँ से कम हो जाएगी, जो कि कम हो चुकी है। और अब मेरे कैमरे की जो माइक है इसमें अब हवा का जो बोलते हैं आवाज नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इसका AC का कंट्रोल यहाँ पे आ गया। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, अगर नीचे करने के बाद इसको प्ले करता हूं इसके अंदर कुछ भी तो वो चीज मैं आराम से प्ले कर पाऊंगा। एक बार मैं इसमें जो हमने एम्प डाला था और जो हर्ट्ज के स्पीकर, हर्ट्ज के कंपोनेंट इसके अंदर, चारों कंपोनेंट हमने हर्ट्ज के डाले थे और जो रिस्पांस था वो एक नंबर आ जाएगा। इवन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहां पर फॉर्च्यूनर बनी हुई आ रही है, जो हमारी फॉर्च्यूनर सेम वही आने वाली है। जितनी तेज हमारी गाड़ी चलेगी वो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि 0 किलोमीटर से कितने किलोमीटर की स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है। नेविगेशन चला सकते हैं इसकी। जो अगर मैं बात करूं रैम की, इसकी कितनी रैम होने वाली है, तो यहां पर हम इसके रैम की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। इसकी जो रैम होने वाली है तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो पहले रोम है वो 64 GB का रोम है इसके अंदर, तो औसम है 22 GB। अभी इसके जो टोटल स्टोरेज वगैरह जो भी चीज ली हुई है वो होने वाला है 64 GB की, इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होने वाली है। और ये 4 GB वाला सिस्टम है, थोड़ा सा मुझे ये जीवा का प्लेयर है एक्चुअली, तो जीवा के अंदर हमारे पास ये चीज अवेलेबल होती है। तो जीवा में आपको तो जो इसका स्पीड वाला दिखाएगा वो कहीं अलग दिखा रहा होगा, जो कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा हो कहाँ पे है, क्योंकि मैं अभी इसे फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। मैंने अभी तक जो चलाया था वो हाइपरसोनिक का चलाया था, तो शायद यहाँ पे होने वाला, क्योंकि यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कुछ। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, शायद दिखा दे, नहीं यहाँ पे भी दिखा रहा है अबाउट डिवाइस, यहाँ पे दिखा देगा शायद ये। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4 GB 64 GB, तो ये टोटल इसका ये रिस्पांस रहने वाला है। और गाड़ी बिल्कुल अंदर से इंटीरियर जो लग रहा है वो एक नंबर लग रहा है। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। और ये सारा काम जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है साई कार सीरीज पे, तो ये वाला बोर्ड आप बिल्कुल ध्यान रखना और नंबर देख लेना। और नंबर में आपके जो वीडियो है उसके अंदर ही बार बार फ्लैश कर रहा होगा। किसी भी भाई को अगर ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी लेके आनी है और आकर ये काम करवाना है, तो प्लीज आप आ सकते हो, करवा सकते हो। इस गाड़ी का जो साउंड का रिस्पॉन्स है एक बार वो भी चेकआउट कराता हूँ कि आवाज इसकी कैसे होने। तो भाई इसकी साउंड एक बार मैं आपको आवाज से बता रहा हूँ, ये 4 पे साउंड आ रही है गाड़ी की अभी। तो यहाँ पे देखो, तो भाई जैसे कि अपन आ चुके हैं शॉप के अंदर और यहाँ पे होने वाले लाल भाई। लाल भाई, हम भी जो अपने पूरी फॉर्च्यूनर दिखाई है उस फॉर्च्यूनर के अंदर एक तो हमने टेल लाइट का काम किया है, एक एम्बिएंट लाइट का काम किया है, कि हमने टेस्ला लगाया है और एक रिफ्लेक्टर। ये चीज़ें क्या क्या कॉस्ट पड़ती है अगर बंदा कोई लेके आता है फॉर्च्यूनर अपनी, और एम्बिएंट लाइट की एक बार मुझे क्वालिटी जरूर देखनी है। एम्बिएंट लाइट की क्वालिटी भैया आप ये चेक करवा सकते हो, ठीक है।
एक बार इसको बॉक्स को खोल के दिखा दो क्या क्या चीज होती है और क्या क्या चीज है। लेजर है इसका, ठीक है। इसमें एलईडी आता है। कितनी लेजर होती है टोटल इसमें? 5 लेजर होता है। 5 लेजर होती है, ठीक है। और ये इसके पाइप है, तो मतलब ये जो पाइप जो हमने गेटों में लगाया वो होता है और ये लेजर से लाइट निकलती है। या और ये ड्यूल है, ये ऐप से भी कंट्रोल होगा और रिमोट से भी कंट्रोल। अच्छा, मतलब इसका ये वाला रिमोट है, रिमोट से भी आप कर सकते हो और एप्लीकेशन के थ्रू भी ये कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, ये ऐप और रिमोट दोनों से ये, ठीक है, कंट्रोल। तो यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है ताकि इसकी ऐप डाउनलोड कर सके और उसको कितने क्या इसका प्राइसिंग वगैरह क्या रहता है? वैसे नॉर्मल गाड़ी में लगाए तो 2500 रुपए से लेकर इसमें क्वालिटी और भी आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग रेंज है 2500। तो क्वालिटी में क्या फर्क रहता है? लाइट का आ रहता है, लाइट का फर्क रहता है, लेजर एलईडी और कॉब एलईडी आता है, ठीक है। 4,450 में ना लेजर एलईडी आ जाता है, फिटविट करके, फिट करके। और ये वाली कितने में आती है? क्या आपको 3,000 में फिटिंग करके, मतलब सबका जो खेल है इसका वो फिटिंग का मेन, फिटिंग का और एलईडी का, लेजर एलईडी का, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने टेल लाइट वगैरह जो लगाई है, लाइट जो हमने लगाई है वो 10,500 का वो वाला डिजाइन है। एक उसमें आता है लैंड क्रूजर डिजाइन, ठीक है। एक आता है लेक्सस, तो लेक्सस बंद हो चुका है। हाँ। बाय चांस ऑर्डर पे कभी कभार आ गया तो आ गया, नहीं तो बीएमडब्ल्यू और लैंड क्रूजर मिल जाता है। तो एक मेरे को एक चीज बताओ, जो उसके हमने वो लगाया था, हमने पूरा एंड्रॉइड जो लगाया था टेस्ला वाला, उसका क्या रेट पड़ता है? और वो नई फॉर्च्यूनर के लिए भी है या किसके लिए है? Type 1, Type 2 और Type 3 तीनों फॉर्च्यूनर के लिए टेस्ला सिस्टम अवेलेबल है। तो ये जो कंपनी रहने वाली होती है, कौन सी कंपनी होती है? मेगा सोनिक है, हाइपर सोनिक है, स्मार्ट सोनिक है, ये तीन में सब। तो इसमें भी जो हमारा मेगा सोनिक है इसमें भी हमारे पास टेस्ला आता है, ठीक है। तो उसका क्या रेंज वगैरह क्या रहती है? कुछ स्टार्टिंग रेंज है 28,500, 29,500, मतलब 30,500 में फिटविट करके ऑल ओवर सारे वर्किंग मिल जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। वारंटी वगैरह क्या रहती है? वन ईयर। तो भाई देख लो, आप सारी चीज आपको मैंने बता दी है, इसकी टेल लाइट की क्या वारंटी थी। एक इसमें रिफ्लेक्टर हो रहा है, लाल भाई रिफ्लेक्टर क्या सीन रहता है? रिफ्लेक्टर जो था उसमें एक पार्किंग और ब्रेक आता है, जो हमने उसमें लगाया है, पार्किंग ब्रेक और इंडिकेटर, ठीक है। तीन फंक्शन है उसके अंदर। तो टोटल अभी जो खर्चा आया था वो अप्रोक्स कितना आ गया था उसके अंदर? कुछ मान के 80,000 से 90,000 रुपए टेस्ला वगैरह सब कुछ लगा के, जो दिखाया मैंने वो सारा कुछ 80-90 के आसपास। मेन जो हमने उनका लाइट का भी इशू था उनका, अच्छा, तो हमने इसमें हेडलाइट में HID लगाया था, Alpha 1 75 वॉट जो हम लगाते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नमस्कार कर रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली कुछ हम जो अल्फा वाली HID होती है 75 वॉट, ये HID लगा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास स्टॉक में और भी अवेलेबल है, ठीक है, अल्फा के और भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो हम HID यूज कर रहे हैं, कुछ ये वाली HID रहने वाली है जो हमने आपको अभी फॉर्च्यूनर के अंदर आपने देखी है। अगर किसी भाई को ये वाली लगवानी है तो क्या रेंज रहती है इसकी? इसमें ना नंबर वो होता है, ठीक है, जो नंबर 75 वॉट है स्टार्टिंग रेंज है इसका 3,500 रुपए, 3,500 से स्टार्टिंग है, ठीक है। इसमें नंबर का अलग अलग नंबर है, अलग अलग रेंज, मतलब कि जो H4 वगैरह जो नंबर आता है उसकी बात कर रहे हो? H4 हो गया, H7 हो गया, H1 हो गया, H8 हो गया। मतलब फॉग लाइट में लगानी है तो अलग प्राइस है, हेडलाइट में लगानी है तो अलग प्राइस है, और बाकी गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है कौन सा है, हाई है लो है या दोनों है उसके अंदर, वही चीज ना, ठीक है। तो भाई सारी चीज आप देख लो कि ये मैंने आपको एक बार इसकी भी क्वालिटी दिखा दी है, साथ में आपको मैंने जो इसकी एम्बिएंट लाइट आती है उसकी भी क्वालिटी दिखा दी है, ठीक है। इसके साथ आपने वीडियो में देख लिया है जो टेल लाइट वगैरह है वो क्या भाई ने बढ़िया, कब तक चल जाएगी वो? सालों साल दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और भाई का नंबर सामने आ रहा है आपके, कॉल कर सकते हो भाई से, कोई भी क्वारी हो पूछ सकते हो। भाई ये क्वारी बताते हो तुम? बिल्कुल कोई कुछ पूछता है, कभी भी मना नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी चीज है अगर भाई से पूछना चाहते हो तो भाई बिल्कुल आपको एम्बिएंट लाइट के बारे में जानकारी देगा, इवन यहाँ पे जितना भी सामान बार बार रखा हुआ, जो भी सामान रखा है उन सब की आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सारा का सारा सामान हमारे पास, सब चीज अवेलेबल है। अच्छा, एसेसरीज में क्या क्या है? टोटल सारा सामान अवेलेबल है, A to Z कारों का एसेसरी है। किसी भी कस्टमर को और ऑनलाइन भी चाहिए तो नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, ऑनलाइन भी कहीं भी डिलीवरी, ऑल ओवर डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते। तो भाई कह रहे हैं कि जो भी नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहा है इसको आप जो भी सामान अगर आके लगवाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी भाई को इनमें से HID स्पीकर सिस्टम स्टीरियो एंड्रॉइड वगैरह सब रखा हुआ है तो ये सारी चीज अगर करवानी है तो नंबर पे कॉल करके वो ऑर्डर भी दे सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम शिप कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को, ऑर्डर वगैरह करते रहना और इस तरह की आपको बढ़िया ब्रांडेड चीजें आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।